और दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आप सबका हमारे चैनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको इस चैनल में मिलेंगी केवल प्रेगनेंसी जुड़ी ढेरों वीडियो जो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेगनेंसी का सातवां महीना वह महीना है जब आप और आपके घर वाले आने वाले शिशु का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपके घर में गोद भराई की रस्म निभाई जाती है। हर समय आपके परिवार वाले आपके आसपास रहते हैं। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है। जिंदगी के इस खूबसूरत समय में शिशु के साथ साथ आपके अंदर भी कुछ बदलाव आते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी के सातवें महीने में गर्भवती महिलाओं के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, कौन से बदलाव सामान्य हैं, कौन से असामान्य हैं, कब आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के सातवें महीने में शिशु का आकार कितना होता है और उसका वजन कितना होता है। प्रेगनेंसी के सातवें महीने के दौरान आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि अब हर हफ्ते आपका वजन लगभग 450 ग्राम बढ़ेगा। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में गर्भवती महिलाओं को मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अचानक से मूड बदलना, जरा सी बात पर हंसना, गुस्सा करना, रोना, जिद करना, ये सामान्य लक्षण हैं। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में शिशु गर्भाशय पर दबाव डालता है और दबाव डालने के कारण मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। आप इस महीने वास्तव में एक गर्भवती महिला की तरह चलना शुरू कर देंगी और चलते समय आपके दोनों पैरों के बीच में काफी दूरी होगी, यानी आप खुद से महसूस करेंगी कि आप खुद ब खुद पैर चौड़े करके चलेंगी ताकि आपके पेट को सहारा मिल सके। इस महीने पेट की गोलाई बढ़ने के कारण, पेट का आकार आगे की ओर निकलने के कारण आप प्रॉपरली नीचे नहीं झुक पाएंगे और झुकते वक्त आपको परेशानी महसूस होगी। अब आपको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे, यानी फॉल्स लेबर पेन, जिसको नकली लेबर पेन भी कहते हैं, अब आपको ज्यादा होंगे। हालांकि ये दर्द हल्के होते हैं और 30 सेकंड से 1 मिनट तक रह सकते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। इस दौरान आपका पेट कुछ समय के लिए कड़क रह सकता है और जब ये दर्द होंगे तब ये दर्द पीठ से होते हुए आगे की ओर पेट की तरफ जाएंगे। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में आपको वाइट डिस्चार्ज सबसे ज्यादा होने लगेगा, जो कि सामान्य बात है और ये होना जरूरी भी है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज किसी भी तरह की इन्फेक्शन को गर्भाशय तक पहुंचने से रोकता है और ये रिसाव होना कोई चिंता की बात कतई नहीं है। हालांकि अगर इसमें दुर्गंध हो या किसी प्रकार की कोई स्मेल हो या फिर इसका रंग हरा या भूरा हो तब आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इस महीने आपके स्तनों से भी रिसाव होना शुरू हो जाएगा। ये गाढ़ा और पीले रंग का रिसाव होगा जिसे क्लोस्ट्रम कहते हैं और यह रिसाव दिन में किसी भी समय हो सकता है और जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आएगा ये एकदम ट्रांसपेरेंट यानी पानी की तरह हो जाएगा और ऐसा होना सामान्य है और ये दूध बनने की प्रक्रिया की शुरुआत है। गर्भाशय बढ़ने के कारण पेट पर खिंचाव के निशान दिखने लगेंगे, जिसको स्ट्रेच मार्क्स कहा जाता है। आप इसे हटाने के लिए किसी बढ़िया स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस दौरान आपका गर्भाशय नाभि के ऊपर आ जाएगा और कभी कभी आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और गर्मी ज्यादा लगेगी, बेचैनी महसूस हो सकती है। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में पेट के बीचों बीच नाभि से होते हुए एक काली लकीर उभर सकती है, जिसको लाइनिया निग्रा कहा जाता है और जब आपकी डिलीवरी होगी तो उसके 2 से 3 महीने बाद ये लाइन अपने आप हट जाएगी। पहले के मुकाबले स्तन और बड़े हो जाएंगे, निप्पल के आसपास का रंग और गहरा हो सकता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण शरीर में सूजन आ सकती है, खासकर हाथों और पैरों में। इसके अलावा प्रेगनेंसी के सातवें महीने में आपको पीठ दर्द की समस्या रह सकती है। कुछ महिलाओं को हाथों और पैरों में हल्का दर्द भी रह सकता है, जो कि बिल्कुल सामान्य बात है। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में आपको जलन, जी मचलाना, कब्ज की समस्या, गैस, खट्टी डकार, अपच की समस्या बढ़ सकती है
और शिशु के विकसित होने से गर्भवती महिलाओं का पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है, लीवर अच्छे से काम नहीं करता, जिस कारण अपच की समस्या होने लगती है। इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन करें। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको दिन में नींद ज़्यादा आ सकती है, शरीर थका थका महसूस होगा, इस दौरान अक्सर आपको रात को नींद नहीं आएगी। प्रेगनेंसी का 7वां महीना वह महीना है जब आपका शिशु प्रेगनेंसी के इस महीने में सबसे ज़्यादा हलचल करेगा और बहुत तेजी से किक करेगा। कई बार ये किक आपको हल्का सा दर्द भी पहुंचा सकती है और अक्सर इस दौरान आपका शिशु रात को ज़्यादा हलचल करेगा और आपको रात भर सोने नहीं देगा। प्रेगनेंसी का 7वां महीना वह महीना है जब शिशु का विकास काफ़ी हद तक हो चुका होता है। लगभग शिशु 14 इंच लंबा और 1 किलो से 1.25 किलो वजनी हो जाता है। 7वें महीने में शिशु बाहर की आवाज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। वह अपनी माँ की आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता है, माँ के टच को भी पहचानता है। अगर माँ अपने पेट को टच करेगी तो उस समय शिशु तेजी से हलचल करना शुरू कर देगा। जब आप अपने पेट पर टॉर्च की सहायता से रोशनी डालेंगे तब आप महसूस करेंगे कि शिशु उस वक्त तेजी से हलचल करेगा। तब आपको अपने पेट में हल्की सी गुड़गुड़ाहट का एहसास होगा। इस महीने के आखिर में शिशु जन्म देने की तैयारी में अपनी पोजीशन लेने लगता है। उसका सर नीचे और पैर ऊपर की तरफ होने लगते हैं। अगर उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो घबराइए मत, अभी भी काफ़ी समय है, क्योंकि ज़्यादातर शिशु प्रेगनेंसी के 8वें महीने के अंत में अपना सर नीचे करते हैं। बच्चा अपने आसपास मौजूद एमनियोटिक द्रव को निगलने लगा है। आप जो खाएंगे उसका स्वाद भी उसे महसूस होगा और जन्म लेने के बाद इन स्वादों को वो पहचानने लगेगा। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चे की मूवमेंट पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वैसे तो इस महीने बच्चा काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करता है, आपकी आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया देता है। अगर बच्चे की मूवमेंट किसी दिन कम लगे या बच्चा बहुत कम हलचल करें तो आप बिल्कुल ना घबराएं। हो सकता है उस समय बच्चा स्लीप मोड में हो, यानी बच्चा सो रहा हो। और अगर हलचल ज़्यादा कम हो तो आप उस वक्त कोई मीठी चीज़ खा लें, और अगर आप बैठी हुई हैं तो कुछ कदम चलना शुरू कर दें या फिर जूस या ठंडा पानी पिएं। इससे शिशु तुरंत हरकत करना शुरू कर देगा। और अगर 24 घंटे तक शिशु बिल्कुल हलचल ना करें तब फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। इस महीने तक शिशु की पलकें भौहें आ जाती हैं। अब शिशु आँखें खोल भी सकता है, बंद भी कर सकता है, साथ ही अंगड़ाइयाँ और जम्हाइयाँ भी ले सकता है। इस महीने गर्भवती महिलाओं को कुछ जरूरी सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे इस दौरान आप किस अवस्था में सोती हैं ये काफ़ी मायने रखता है। सीधा सोने से बचें, यानी पीठ के बल सोने से बचें। कोशिश करें कि आप ज़्यादा देर बाईं करवट लेकर सोएं, क्योंकि बाईं करवट में सोना गर्भावस्था के दौरान सबसे बेहतर पोजिशन मानी जाती है। इससे शिशु को अच्छे ढंग से रक्त संचार और ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। 7वें महीने में झुकने के लिए पूरी तरह से मना किया जाता है। अब आपका बेबी बम बढ़ चुका है, ऐसे में आगे की ओर झुकने से उस पर दबाव पड़ सकता है जो शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। इस दौरान आपको आपके हाथों और पैरों में सूजन आ सकती है। अगर ज़्यादा सूजन आई है तो सोडियम का इस्तेमाल कम से कम करें, यानी सोडियम का मतलब है नमक कम मात्रा में खाएं, इससे आपको सूजन से काफ़ी राहत मिलेगी। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। तरल पदार्थों का निरंतर सेवन करते रहना चाहिए। ताजे फल, मौसमी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध, अनाज, अन्य पौष्टिक आहार का सेवन जरूर करें, ताकि आपका बच्चा अच्छे से विकास कर सके। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप विटामिन डी को कुदरती रूप से प्राप्त करने के लिए सुबह की हल्की धूप में कम से कम आधा घंटा जरूर बैठें। इससे आपको विटामिन डी प्रॉपर मात्रा मिलेगा, जिससे आपको और आपके शिशु को काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलेंगे। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको एक बात गांठ बांध कर रखनी है कि आपको कम से कम रोजाना 30 से 35 मिनट की वॉक ज़रूर करनी है। और वॉक करते वक्त ध्यान रखें कि ज़्यादा तेज़ी से वॉक ना करें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई चोट ना लग सके। और वॉक करने से आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे, जिससे आपके शरीर में ब्लड संचार बढ़ेगा और आपको और आपके शिशु को फ़ायदे मिलेंगे।
तो दोस्तों ये थी प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बारे में वीडियो। अगर आपके कोई भी मन में सवाल और सुझाव हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।